बाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में लोखन सलिया चोर गैंग का चोरी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दबंग चोर गैंग के तार मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में फैले हुए हैं। बता दें कि थाने से सटे वाड़ा तालुका वाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में नारेगांव आमंत्रण होटल के सामने आदेश पाटिल व्यक्ति की जमीन पर चोरों ने अपना अड्डा बना रखा है और धड़ल्ले से यहां पर लोखन सलिया चोरी का काम चलता रहता है। चोरी को अंजाम देने के लिए ये चोर पिस्तौल का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका दबदबा बना रहे और चोरी का काम चलता रहे। बता दें कि वाड़ा तालुका कंपनियों से बड़ी गाड़ी टेलर में लोखन सलिया बिल्डरों के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये चोर गैंग लोखन सलिया से भरी गाड़ी टेलर को रास्ते में ही रोक लेते हैं और हर गाड़ी से 15 से 2000 किलो सलिया निकाला जाता है। इस काम में पूरी तरह ड्राइवर भी मिला होता है और इस चोरी के लिए गाड़ी के ड्राइवर को भी मोटी रकम दी जाती है। रोजाना 10 से 15 लाख रुपए की चोरी की जाती है। इस चोरी के गोरख धंधे में वाड़ा पुलिस स्टेशन के कई पुलिस अधिकारी भी संलिप्त हैं और यही वजह है कि इन चोर गैंग के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और धड़ल्ले से इनका चोरी का काम चलता रहता है। पत्रकारों की कई तकरार के बावजूद स्थानीय पुलिस चोरी के गोरख धंधे को बंद कराने में नाकाम साबित हुई है। इस चोर गैंग के नाम इस प्रकार हैं: बंदूकधारी पवन मिश्रा, सद्दाम टाइगर, असलम शेख, हफीज मलिक, अब्दुल हकीम उर्फ बक्कल व अन्य कई दबंगों की निगरानी में ये पूरा की पूरा गोरख धंधे का काम चलता रहता है। बता दें कि चोरी के गोरख धंधे को बंद कराने में स्थानीय वाड़ा पुलिस पूरी तरह नाकाम रही है। स्टील लोखंड सलिया चोर गैंग के तार मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में फैले हुए हैं। हाल ही में नवी मुंबई तुर्बे पुलिस की हद में इस चोर गैंग को बड़ी गाड़ी टेलर MH04 GR2513 के साथ रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया था, मगर फिर भी जीरो कार्रवाई करते हुए इन्हें छोड़ भी दिया गया